क्या कभी आपको भी आउट ऑफ प्लेस लगता है? आपको लगता है कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं? आपको लगता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ शायद गलती से आ गया हूँ? अगर ये आपके साथ भी होता है तो आप भी शिकार हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम के। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे तरीके जिसको यूज करके आप इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से आगे बढ़ सकते हैं, इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझ सकते हैं। क्या आप रेडी हैं? लेट्स वॉच द वीडियो टिल द एंड। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है? ये इम्पोस्टर सिंड्रोम, इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पे आपको लगता है कि जो आपको सक्सेस मिली है, जो आपने अचीव किया है, वो सारा बाई चांस था, बाई फ्लूक था, या बाई कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स था। आप एक्चुअली डिजर्व नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। एज पर सम सर्वेस अप टू 82% पीपल, लगभग 82% पीपल हैव सम और अदर काइंड ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम। किसी को किसी टाइप का इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। मुझे खुद रहा है, जब मैं छोटे शहर से बड़े शहर आया, जब मैं इंडिया से बाहर आया, बहुत बार अनकंफर्टेबल हुआ, बहुत बार मुझे लगा कि कुछ इम्पोस्टर सिंड्रोम है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ तरीके जो मैंने कुछ तो खुद पे अप्लाई किए हुए हैं और कुछ मैंने सीखे हैं बहुत सारे मेंटर कोचेस से। तो वो 5 तरीके जिसको यूज करके आप इम्पोस्टर सिंड्रोम से आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स वॉच इट। तो पहला तरीका है जिसको कहते हैं कि कीप अ काउंट ऑफ योर सक्सेस। नाउ अगर आप किसी लेवल तक पहुंचे हैं, अगर आपने कुछ किया है, कुछ अचीव किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में कर लिया होगा, एक महीने में कर लिया होगा, और हर स्टेप पे, हर माइलस्टोन पे आपने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। आपको कुछ सर्टिफिकेट मिले होंगे, कुछ अवार्ड्स मिले होंगे, कुछ रिकॉग्निशन मिला होगा। द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ओवरकम इम्पोस्टर सिंड्रोम इज टू कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल योर अचीवमेंट। जब आप अपने अचीवमेंट की, अपने अवार्ड्स की, अपने सर्टिफिकेट की एक लिस्ट रखते हैं, ताकि जब भी आपको लो महसूस हो, आप उसको रेफर करें, यार मैंने ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी अचीव किया है, ये अवार्ड पाए हैं। जब आप ऐसा देखते हैं तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब ऐसा होता है तो इम्पोस्टर सिंड्रोम को हैंडल करना ईजी आता है। तो पहला तरीका है कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल योर अचीवमेंट। नंबर 2, एंड ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत साथ साथ चलती है इम्पोस्टर सिंड्रोम को, और उसको कहते हैं परफेक्शनिज्म। जी हाँ, आपको हर चीज परफेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आप बिलोंग नहीं करते, क्योंकि लोगों को अगर पता चल गया कि अरे ये तो यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, तो क्या होगा? उस चक्कर में आप एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेकर के, एक्स्ट्रा केयर करके परफेक्शनिज्म की तरफ चले जाते हैं, और जहाँ पे ये परफेक्शनिज्म आता है वहाँ पे आता है, यू नो व्हाट, प्रोक्रेस्टिनेशन। वहाँ पे आता है सेल्फ डाउट, वहाँ पे आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जो सेकंड तरीका है वो है आपको बिलीव करना होगा कि आई एम अ प्रोग्रेशनिस्ट, मैं प्रोग्रेस में बिलीव करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो किया था, क्या मैं उससे 1% बेटर कर रहा हूँ? लास्ट टाइम अगर मैंने 3 मिनट बात किया था, तो क्या मैं 3.5 मिनट बात कर पा रहा हूँ? लास्ट टाइम अगर मैंने 200 वर्ड्स का एक ड्राफ्ट लिखा था, क्या मैं 250 वर्ड पहुँच रहा हूँ? अगर आप प्रोग्रेशनिस्ट बनते हैं तो ये आपको रियली हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है इम्पोस्टर सिंड्रोम से आगे बढ़ने के लिए। तो जो सेकेंड वे है, That is to being a progressionist and don't be a perfectionist. Number 3, बहुत ही ज़्यादा कारगर है तीसरा तरीका है, वो है एक सपोर्ट ग्रुप बनाना। एक ऐसा किसी ग्रुप का पार्ट होना जहाँ पे बाकी सारे लोग भी उसी सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं या डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, तो टोस्ट मास्टर इज वन सच क्लासिक एग्जाम्पल जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट नॉलेज लेवल के, डिफरेंट एक्सपर्टीज के लोग आते हैं टू लर्न अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। और जब आप ऐसे ग्रुप का पार्ट होते हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, तो धीरे धीरे आपका जो अंदर का जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है
वो धीरे धीरे कम हो जाता है। सो जो थर्ड तरीका है जो आप रियली यूज कर सकते हैं, बहुत बहुत इफेक्टिव है, दैट इज बींग अ पार्ट ऑफ अ सपोर्ट ग्रुप, बींग अ पार्ट ऑफ अ अकाउंटेबिलिटी ग्रुप, दैट कैन रियली हेल्प यू पुश एंड कम आउट ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम। चौथा या सेकेंड लास्ट तरीका है, वो है वेन यू नीड रियली नीड समबडी टू हेल्प यू, एंड दैट इज वॉट इज कॉल्ड गेट अ कोच और मेंटर। क्या होता है कि अगर आपका कोच या मेंटर उस सिमिलर पाथ से जा चुका है जिस पे आप हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपर्टीज से, अपने व्यू पॉइंट से आपको ऐसी चीजें बता सकता है जो कि आपको शायद पता ना हो, जो कि आपको ऐसा कुछ, आपके अंदर ऐसा कुछ स्पार्क जनरेट कर दे जिससे कि आपका जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है वो कम हो जाए। तो जब आपके पास एक कोच होता है, एक मेंटर होता है जो आपकी जर्नी को समझ रहा है, जो जान रहा है कि आप कहाँ से आए, और कई बार आपको रियलाइज भी कराता है कि लुक हाउ फार हैव यू कम फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, जब ऐसा कोई कोच या मेंटर होता है तो आपकी जर्नी और स्मूथ हो जाती है एंड यू बिकम बेटर। एंड पांचवा एंड फाइनल, जो मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगा, ओनली अगर ये एक्सट्रीम हो जा रहा है, अगर ये बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस में बाधा पैदा कर रहा है, अगर ऐसा हो जा रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, देन आई रिकमेंड इन दैट केस इज टू सीक मेडिकल हेल्प। आई नो बहुत सारे लोगों को ये टैबू सा लगता है, आई नो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, ये इसके लिए कौन डॉक्टर के पास जाता है, बट मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको लग रहा है कि बाकी सारे तीन चार तरीके जो मैंने बताए उसको करने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, यू स्टिल हैविंग सेल्फ डाउट, यू स्टिल फीलिंग लाइक इम्पोस्टर, आई हाईली हाईली रिकमेंड दैट कि आप किसी कंसल्टेंट से, आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल, किसी साइकोलॉजी से कनेक्ट करें ताकि आप अपने आप पे वर्क कर सकें। सो आई होप आपको ये पांचों तरीके पसंद आए हों, कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा था जरूर बताइएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।